गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड गिविंग एनकरेजमेंट, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। अखबार की बात चल रही है, चलो सीखते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को अच्छी तरह समझना। द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे हाथ में है, सैटरडे अगस्त 4, 2018, लेक्चर 7 चल रहा है। फायदे आप देख सकते हैं, कितने फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे अगर आपने धैर्य पूर्वक इस एक्टिविटी को देखा। चलो मैं चश्मा लगा लेता हूं और अखबार की बात करता हूं, जहां पे बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाऊंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला पेज है और ये बीच में UIDAI हेल्पलाइन नंबर वाली खबर है। मैं कुछ पैराग्राफ बता चुका हूं और अंतिम पैराग्राफ में हूं। यहां से यहां तक मैंने बताया था देयर फोन बुक, अब एक पैराग्राफ आप देख सकते हैं UIDAI इनवर्टेड कॉमास चालू हुआ है, वहां से आप मुझे फॉलो कीजिए। UIDAI has not asked, present perfect tense है, UIDAI ने नहीं कहा है। आस माने कहना, कोई काम करने के लिए आस माने पूछना भी होता है, आस माने कहना भी होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे मतलब है कहना। UIDAI has not asked or communicated, ना ही उन्होंने कोई कम्युनिकेशन भेजा है टू एनी मैन्युफैक्चरर, किसी भी मैन्युफैक्चरर को और माने या सर्विस प्रोवाइडर को, फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड माने प्रदान करना, PROVIDE प्रदान करना या देना, आम बोलचाल में देने के लिए, एनी सच फैसिलिटी, कोई भी ऐसी सुविधा, सच माने ऐसी फैसिलिटी माने सुविधा, पूरा वाक्य ऐसे जाएगा। UIDAI ने नहीं कहा है ना कम्युनिकेट किया है किसी भी मैन्युफैक्चरर को, वे कंपनी जो मोबाइल बनाती है, और सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी जो हमें नेटवर्क देती है, इनमें से किसी से नहीं कहा है कि हमें कोई ऐसी फैसिलिटी दी जाए। आगे बढ़ते हैं, सब वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत अच्छा शब्द लिख लो, VESTED वेस्टेड इंटरेस्ट, INTRESTS, इसका मतलब है निहित स्वार्थ, निहित स्वार्थ, लोग धन या सत्ता के प्राप्ति के लिए कुछ कारण पैदा करते हैं, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, निजी फायदा, निजी फायदा, निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट। सम वेस्टेड इंटरेस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट, कुछ निहित स्वार्थ प्रयास कर रहे हैं उत्पन्न करने का, क्रिएट उत्पन्न करना। फिर एक अच्छा शब्द आगे लिख लो, अनवॉरेंटेड, UNWARRANTED, अनवॉरेंटेड का मतलब होता है अनुचित, अनुपयुक्त, बेजा, या हम आम बोलचाल में कहें तो इसका मतलब है बिन मतलब का, बिन मतलब का, जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो वो कह रहा है कुछ निहित स्वार्थ प्रयास कर रहे हैं उत्पन्न करने का, अनवॉरंटेड कंफ्यूजन, बिना मतलब का भ्रम इन द पब्लिक, पब्लिक के बीच, इट सेड। ये सब कौन कह रहा है? ये सब UIDAI जो संस्था है वो ये कह रही है। ओके, अगला पैराग्राफ, UIDAI has reiterated, बहुत अच्छा शब्द लिख लो, REITERATE, reiterate माने तो दोबारा कहना, दोबारा कहना, यानी किसी चीज को जोर देना, तो उसने जोर दिया है, दोबारा कहा है, that it has not asked or advised anyone, उसने नहीं कहा है या राय दी है किसी को भी, including any telecom service providers or mobile manufacturers or Android, अब इस बार उसने Android को भी शामिल कर लिया, ना ही उसने कहा कि हमने किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कहा, ना ही किसी सर्विस प्रोवाइडर को कहा, और ना ही Android को कहा, और Android to include, include मैंने शामिल करना, शामिल करने के लिए एक नंबर दिया है 1800947 खत्म हो रहा है, और 1947 इन द डिफॉल्ट लिस्ट, एक डिफॉल्ट लिस्ट होती है जिसमें अपने आप चीजें आ जाती हैं, हमने नहीं कहा है, वो कह रहा है कि इसको शामिल कर दो डिफॉल्ट लिस्ट में, ऑफ पब्लिक सर्विस नंबर्स, जो पब्लिक सर्विस नंबर्स हैं उनकी डिफॉल्ट लिस्ट में, हमने नहीं कहा है कि ये नंबर इंक्लूड कर दो। द स्टेटमेंट एडेड, ये स्टेटमेंट है उसने जोड़ा, एड माने जोड़ा, ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? UIDAI संस्था दे रही है। आगे पढ़ते हैं, आधार CEO, आधार के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय भूषण पांडे टोल्ड
TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया को शॉर्ट में TOI कहते हैं, उन्होंने बताया, सब पास्ट इंटरफेरेंस चल रहा, आप देख सकते हैं, टोल TOI, दैट द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ब्रैकेट में लिखा है CERT-IN, ये नाम है संस्था का, हैड स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया है। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, इसीलिए ऊपर टोल्ड आया है, तो यहां पे हैड स्टार्टेड हो गया है। आप जानते हैं परफेक्ट परफेक्ट टेंस को अंदर पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, तो इसकी हिंदी निकालेंगे, उसने शुरू कर दिया है एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच, इन्वेस्टिगेशन माने जांच, इनटू द इशू यानी इस मामले में, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू लगा हुआ है, प्रीपोजिशन पे ध्यान दो, ग्रामर पे ध्यान दो। तो उन्होंने कहा, सीईओ साहब कह रहे हैं पांडे जी, कि ये जो उनके पास एक टीम है जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उसने एक जांच शुरू कर दी है इस मामले में, वो जांच करेगी। दिस लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है दो लाइनें, दिस इज द सेकंड राव, ये दूसरा बवाल है इन्वॉल्विंग आधार, जिसमें शामिल है आधार, इन जस्ट ओवर अ वीक, यानी एक सप्ताह से ऊपर के समय में ये दूसरा एक विवाद आ गया है, बवाल आ गया है। ठीक है बच्चों, अब ये खबर मैंने पूरी बताई है, आप इसको प्लीज इसका भरपूर प्रयोग कीजिएगा, इससे शब्द सीखिएगा, इडियम सीखिएगा, और धीमे धीमे आप पाएंगे कि ये अखबार आपको समझ में आने लगा है। आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।